मनीष दीक्षित नाम है मेरा और आप देख रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 10। क्लास 8 का एनसीईआरटी 2.5 क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है और क्या दे रखा है तो देखते जाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया था, पहले आपको नेम लिखने हैं, ये अमन है और ये अमन के सन। फिर आपको क्या दे रखा है, अमन इज थ्री टाइम्स के सनसेज, थ्री टाइम्स के सनसेज यानी प्रेजेंट एज लिख लें अपन, प्रेजेंट एज। तो ये एक्स है तो अमन की एज कितनी हो जाएगी 3x। क्लियर है यहाँ तक, 10 ईयर्स एगो। अब 10 ईयर्स एगो चलते हैं अपन, 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो जब हम चलेंगे 10 साल पहले तो ये कितने के हो जाएंगे 3x माइनस 10 और इधर सन भी कितने का हो जाएंगे x माइनस 10। क्लियर है, हिज सन क्यू, ठीक है 10 ईयर्स एगो। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, ACQ में लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ACQ आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखेंगे तो 10 ईयर्स एगो 3x माइनस 10 और x माइनस 10 5 टाइम्स हो जाएंगे। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या, कि आपको इक्वल टू लगाकर छोटे में इंटू करना है। तो छोटा कौन है सन, तो 5 इंटू एक्स माइनस 10 हो जाएगा, यहाँ 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 5x माइनस 15। तो 5x में से 3x जाएगा तो 20 40 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 2x और माइनस 50 इधर आएगा तो माइनस 50 माइनस 10 तो 50 माइनस 10 यानी कि 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 40 और x इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो सन की एज कितनी है 20 और अमन की एज हो जाएगी 3 × 20 = 60। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, एजेस के क्वेश्चन है तो हमारा करने का तरीका बहुत ईजी, आप अमन लिखें और सन लिखें। प्रेजेंट एजेस की बात करें तो अमन से एजेस 3 टाइम्स है सन से, तो इसकी एक्स है सन की, आप समझ लें सन छोटे होंगे तो ये इधर एक्स है तो ये 3x, 10 ईयर्स है तो दोनों में से माइनस करेंगे 10, 3x माइनस 10 और इधर भी एक्स माइनस 10। एसीक्यू यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जो अमन की जो एज है 3x माइनस 10 वो 5 टाइम्स है सन की एज के। तो हमने क्या बताया था, याद रख लें छोटे में ब्रैकेट लगा के इंटू करते हैं इक्वल टू करने के लिए, बराबर करने के लिए किसमें इंटू करते हैं ब्रैकेट लगा के छोटे में, आप छोटा कौन है सन, तो 5 इंटू एक्स माइनस 10 हो जाएगा 3x माइनस 10 इक्वल टू 5x माइनस 50, 5x में से 3x माइनस करेंगे तो 2x और ये कितना आ जाएगा 40, तो x क्या वैल्यू क्या आ गई 20 और अमन की एज क्या हो जाएगी 3x यानी 3 इंटू 20 इक्वल टू 60। क्लियर,